एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को देंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात। बड़ी खबर आपको बता दें, आज मेरठ में करेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। मेरठ में करीब 700 करोड़ की लागत से बनेंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मेरठ में सरधना के सलावा गांव में रखेंगे यूनिवर्सिटी की आधारशिला। सुबह करीब 11:30 बजे मेरठ शहीद स्मारक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरठ में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन भी करेंगे प्रधानमंत्री। मेरठ में पीएम करेंगे सिद्धपीठ काली पलटन मंदिर में भगवान शिव के दर्शन। दोपहर करीब 1 बजे आधारशिला रखेंगे यूनिवर्सिटी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा दम, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश। किसान परिवारों के खिलाड़ियों पर बीजेपी का निशाना। जी हां, विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी गोटी चल दी। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके पीएम नरेंद्र मोदी किसान परिवारों से आने वाले खिलाड़ियों को साधने की कोशिश में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लंबे समय से पेंडिंग पड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग को पूरा करने वाले हैं। मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव की जमीन पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। यूनिवर्सिटी का नामकरण हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। यूनिवर्सिटी में 540 महिलाओं समेत कुल 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। माना जा रहा है कि वेस्ट यूपी के चुनावी समर में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी खिलाड़ियों के जरिए किसान परिवारों को साधने की कोशिश में है। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर अभी भी नाराजगी है। यहाँ के ज्यादातर किसान परिवार जाट या गुजर है। यहाँ के 75% खिलाड़ी जाट या गुजर परिवार से ही है। बीजेपी इन खिलाड़ियों को साधने की कोशिश में है। खिलाड़ियों के जरिए इनके घर वालों को भी साधना चाहती है बीजेपी। माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी बीजेपी को जाट और गुजर वोट दिलाने में मददगार होंगे। जानकारों के मुताबिक मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए सूबे के 75 जिलों से 25,000 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस होगी। यहाँ सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी के ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, साइकिलिंग वेलोड्रोम बनाया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी ट्रेनिंग मिलेगी। मेरठ के सरधना में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को बीजेपी बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश में जुटी है। इसलिए शनिवार को स्थानीय विधायक संगीत सोम की अपील पर सरधना के अलग अलग स्थानों पर कुल 10 लाख दिए जलाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर संगीत सोम ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से वेस्ट यूपी के युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय केवल सरधना के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। हमारे लड़के, हमारी बहनें 6 फुट लंबे, शरीर से मजबूत, लेकिन सुविधा न मिलने के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे जाके स्वर्ण पदक नहीं ला सकते क्योंकि हमें सुविधा नहीं मिलती, हमें शिक्षा नहीं मिलती इसकी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को ये सौगात देकर लाखों करोड़ों युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जाहिर है कि पीएम मोदी मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को तो फायदा मिलेगा ही, बीजेपी को सियासी फायदा भी मिल सकता है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।